सेड, किडनी के तीन एसेंशियल काम होते हैं, एक तो यूरिन बनाना, दूसरा बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना, एसिड बेस को मेंटेन करना, और तीसरी चीज एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है जिसको वो सिक्रेट करते हैं फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो जब किडनीज इफेक्ट होती हैं तो हीमोग्लोबिन लेवल्स कम होने लगते हैं, और जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में हम एनीमिया कहते हैं। सो नॉर्मली ये जो एनीमिया होता है किडनी डिजीज में, एरिथ्रोपोएटिन डिफिशियंसी की वजह से तो होता ही होता है। दूसरी चीज, कई पेशेंट्स में मैल अब्जॉर्प्शन होता है, दे आर अनेबल टू अब्जॉर्ब इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। तीसरी चीज होती है आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, बिकॉज ओरल आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, सो उसकी वजह से भी आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। दूसरी चीज यूरिमिया, यानी जो किडनी डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं जिसमें भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग होना, उसकी वजह से इनटेक कम हो जाता है। तो ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर, कई चीजें होती हैं जो, और बोन मिनरल मेटाबॉलिज्म की वजह से, जिसको हम सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, उसकी वजह से भी एनीमिया होता है। सो उसका जो ट्रीटमेंट है, दैट यू इंक्लूड्स द यूज ऑफ एक इंजेक्शन होता है एरिथ्रोपोएटिन, जो बॉडी में नहीं बन रहा है उसको हम बाहर से उसको हम सप्लीमेंट देते हैं। दूसरी चीज, प्रेफरेबली हम लोग इंट्रावीनस आयरन देते हैं, बिकॉज ओरल आयरन जैसे मैंने आपको बताया वो अब्जॉर्ब कम होती है। उसके साथ साथ बाकी चीजें जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड वगैरह का भी रिप्लेसमेंट हमारे को देना पड़ता है। तो एनीमिया नॉर्मली जो है Stage 2 या Stage 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज में शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें एस्टिमेटेड GFR व्हेन इट फॉल्स बिलो 60 तो एनीमिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड बाय द टाइम पेशेंट रीचेस Stage 5 CKD, अगर उसका कुछ भी एवेल्युएशन और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता, तो कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट 5 या 6 हीमोग्लोबिन लेकर हमारे पास आते हैं।